क्या छुआ है वो दत्ता को चल हाँ ऐसा कुछ है मेरा नाम रंजीत सिंह है, मैं बॉलीवुड से हूँ। बहुत सारी फिल्में की, बड़ी फिल्में भी मैंने की, सहयोग किया है बहुत जगह। तो हमारे प्रोड्यूसर ने हम पे एक फेथ किया कि कुछ अच्छी अच्छी फिल्म करते हैं भोजपुरी में, क्योंकि जानते हैं कि भोजपुरी फिल्मों में अच्छे प्रोड्यूसर नहीं आते, क्योंकि हमारी फिल्म एकदम साफ़ सुथरी है, बजट हमारा है, अच्छा है, ठीक है, करने के लायक है। हमने उतना ही खर्च किया है जितना हमें मिल जाए, और उसमें हमारा प्लस सोच ये है कि हमारे अच्छे कलाकार जो आगे नहीं आ पाते हैं, हम उनको प्रमोट करें। हमारी फिल्म में कोई निगेटिव नहीं है, सास बहुत अच्छी है, बहुएं भी बहुत प्यारी हैं, कोई द्वंद नहीं है, कोई तूतू मैमे नहीं है, और बहुत ही प्यारी कहानी है। इसमें प्रेरणा है संस्कार संस्कृति को लेकर के हम चले, कि ऐसा नहीं है, सोच का फ़र्क है, ऐसा नहीं है कि शहर में रहते हैं तो संस्कार नहीं होगा। अभी तक तो हम लोगों ने सारनाथ में किया, बनारस में किया, आगे अच्छे लोकेशन में भी करने वाले हैं। गाने हमने तीज के हैं, त्यौहार के हैं, होली तो आप देख ही रहे हैं। नामचीन कलाकार में हमने ज़्यादा रखा नहीं, हम अपनी फिल्म को प्रमोट करना चाहते हैं, हम अपने स्टोरी को प्रमोट करना चाहते हैं, किसी कलाकार का टैग नहीं लगाना चाहते कि हमारा फिल्म उस कलाकार की वजह से चले, हमारी ये सोच नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी फिल्म चले, हमारे कलाकार चले। हॉट शॉट है ना, हमारे करेक्टर सब हॉट है, सबकी कलाकारी हॉट है, हॉट गाने नहीं। सॉरी, इससे आपको महरूम रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमने संस्कृति को दिखाया है, पिता पुत्र को दिखाया है, सास बहू को दिखाया है, और उन सब के प्यार को दिखाया है। इसमें कोई द्वंद्व नहीं। जी, हमारी फिल्म वैसे ही लेवल पे है जैसा बागवान है, जैसा हम साथ साथ हैं, कभी खुशी कभी गम है, ये सारी हमारा लेवल वही है, हमारा मेकिंग वही है, हमारे टेक्नीशियंस बड़े हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, आपको अच्छी फिल्म मिलेगी। मेरे साथ जो है वो प्रकाश झा के कैमरामैन है सब, जिन्होंने अपहरण में और अभी आप वेब सीरीज़ के जो चलन है उस दौरान आश्रम में आपने देखा होगा, उनमें हम ये लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि बॉलीवुड फॉरन में ज़्यादा काम किया उन्होंने, यहाँ पे प्रकाश जी के चहेते कैमरामैन बोल सकते हैं। संजोग बनता चला गया, हमारे कलाकार, हमारी आर्टिस्ट, हमारे मित्र, आइए आप भी आइए हमारे साथ बैठिए, हाँ, सारे लोग संजोग बस मिलते चले गए, और कहते ना कारवा बनता कारवा बन। तो फिल्म का जो स्टोरी है, जो जिन्होंने वेलकम में डायलॉग लिखा था, वेलकम फिल्म के, उन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी है, उसको हमने भोजपुरी में ट्रांसलेट कराया है, और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा लगेगा, और इसमें सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ सबसे। जी जी, मैं ये कहूँगा कि काशी की जनता ही नहीं, बहुत सारी जनता है जो सिनेमा हॉल से दूर हो गई थी, उनको लगता था भोजपुरी बस यही है, अश्लीलता है, नाक मुँह सिकोड़ लेते थे, अरे अच्छा भोजपुरी, ओहो। लेकिन हम लोग बॉलीवुड से हैं, हमने ये मेरी पहली फिल्म है, ऑन डायरेक्शन मेरी ये पहली फिल्म है, और जैसा कि आप कलाकारों से पूछ सकते हैं कि कैसा उनको लग रहा है, तो ऐसा नहीं है, भोजपुरी या हिंदी कोई मायने नहीं रखता है, काम काम है, अभिनय उतना ही करना पड़ता है, मेहनत उतना ही लगती है। मैंने बहुत पहले, आप सोनपरी सीरियल जानते थे, सोनपरी कहता है दिल, शगुन शरारत, मैं वहाँ से सीआईडी, वहाँ से मैंने शुरुआत की है, फिल्में करी, बंटी बबली, वीर जारा, मुझसे शादी करोगी, फना सोचा ना था, तो कहते हैं संगत से गुना थे, संगत से गुण जा, तो मैंने अच्छों का संगत किया है, मैंने यश जी को भी काम करते हुए देखा है, तो शायद कुछ गुण आए हैं जिसकी वजह से मैं थोड़ा काम कर पा रहा हूँ,
बस यही है, एक कोशिश है हमारी कि एक अच्छी फिल्म दे दूँ। मेरा नाम शिल्पा जोशी है, मैं मुंबई से हूँ और गुजराती हूँ। जैसे सर ने कहा कि हम सब लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। आजकल की बहुरानियाँ मॉडर्न है, तो ज़माने के साथ कदम मिलाकर चलने में ही भलाई है सबकी। तो जो जनरेशन गैप है, हाँ थोड़ा वो दो कदम चले तो हम चार कदम चले। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अभी जैसे जनरेशन चेंज हो रहा है, तो जनरेशन के साथ साथ हमारे विचार भी चेंज होने चाहिए। तो हमारे संस्कार उनको सिखाएंगे, उनके पास से नई जनरेशन का टेक्नोलॉजी वगैरह हम सीखेंगे। तो थोड़ा सा गिव एंड टेक तो होना ही चाहिए। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। नहीं, ये मेरी पहली फिल्म है भोजपुरी। जिस प्रकार कयामत से कयामत तक में बहुत सारे करेक्टर, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर और जितने भी सारे लोग थे, बहुत लोगों की ये पहली फिल्म थी कयामत से कयामत तक, उसी तरह से ये फिल्म भी बहुत हद तक वैसा ही मैच करता हुआ नज़र आ रहा है। मैं बंधु खन्ना, मैं इसमें एक ससुर की भूमिका कर रहा हूँ, जिसकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव है और वो समाज में जो आजकल विघटन वाले दृश्य दिखाए जा रहे हैं उनसे बिल्कुल परे हट के हम लोग इसमें करेक्टर निभाने की कोशिश कर रहे हैं। कि हमारे अगर तीन बच्चे हैं, तीन बहुएं आती हैं, तो तीन तीन परिवार की होती हैं, हम उनको अपना सामंजस्य बिठा करके अपने परिवार में एकता ले करके चले तो ज़्यादा बेहतर हो। हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सभी बहुएं अच्छी हैं और हम उनको और अच्छा बना सकते हैं। देखिए, हमारी संस्कृति जो कहती है हमको विनम्र होना चाहिए, हमारे बहुएं अगर अच्छी नहीं भी हैं तो हम उनको विनम्र बना सकते हैं, हम उनके संस्कार बदल सकते हैं। और यही हमारा प्रयास है कि हमारी तीनों बहुएं आपस में मिलजुल के एक बड़ा सा परिवार लेकर के चल सकें और आपस में प्रेम और जो सौहार्द की भावना होती है उसको हम लोग बरकरार रखते हुए जिंदा रख सकें। मेरा नाम सचिन है। एक्चुअली क्या होता है कि इनके बच्चों की इसमें शादी हो गई है और मेरे दो बेटे और हैं, इनकी भी शादी नहीं हुई है और इनके पास प्रॉपर्टी जस्ट आधा है, क्योंकि हम दो भाइयों की कहानी है। तो मैं चाहता हूँ किसी तरह इनकी जो पूरी प्रॉपर्टी है उसको मैं हड़प लूँ और अपने बच्चों के नाम कर दूँ और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कर दूँ। इसी उधेड़बीन में मैं इनके परिवार को आपस में लड़वाता रहता हूँ और अपना फ़ायदा उठाता रहता हूँ। तो मैं इधर भी लगातार निगेटिव करेक्टर कर रहा हूँ। हाँ, ये है कि इस फिल्म में मैं मेन विलेन हूँ। अभी तक सेकंड विलेन करता था, लेकिन इस फिल्म में मैं मेन विलेन हूँ। देखिए, विलेन में रोल करने में कई वेराइटीज हैं। हीरो में सिर्फ एक वेराइटी होता है कि वो एकदम सीधा साधा होता है, और विलेन में क्या है, कई वेराइटी है। आपके सामने आपकी तरह, बहू के सामने बहू ससुर की तरह, और कहीं निगेटिव है तो वहाँ निगेटिव है, तो कई सेट्स मिलते हैं और करने में बड़ा मज़ा आता है।